नमस्कार, एक मिनट पूरी रिपोर्ट देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं एक अहम खबर की। एक मैगजीन की तरफ से जारी वैश्विक लेवलेबिलिटी इंडेक्स में कुल 140 शहरों की लिस्ट में देश की राजधानी दिल्ली 112वें और मुंबई 117वें पायदान पर है। क्या है ये एक बड़ी लिस्ट जो कि बहुत कुछ बताती है, आइए जानते हैं एक मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के रहने के लिए सबसे अच्छे शहर में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। इस सूची में भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है। कुल 140 शहरों की सूची में देश की राजधानी दिल्ली 112वें और मुंबई 117वें पायदान पर है। ऑस्ट्रिया का वियना शहर इस सूची में शीर्ष पर है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की तरफ से जारी वार्षिक वैश्विक लेबिलिटी सूचकांक में पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दुनिया में सबसे कम रहने लायक शहरों में रखा गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क को सूची में सबसे नीचे रखा गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक 10 शीर्ष शहरों में वियना, मेलबर्न, ओसाका, कैलगरी, सिडनी, वैंकूवर, टोक्यो, टोरंटो, कोपेनहेगन और एडिलेड शामिल है। पहली बार है जब किसी यूरोपीय शहर का पहली बार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर नंबर रहा है। शहरों की रैंकिंग राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता, अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच समेत कई कारकों के आधार पर की गई है। सूचकांक में दक्षिण एशियाई शहरों का प्रदर्शन खराब रहा है। ये इंडेक्स बताता है कि अभी कितने शहरों पर हमें काम करना बाकी है। जब दिल्ली, मुंबई जैसे शहर भी अगर 112वें 117वें स्थान पर होंगे 140 शहरों की सूची में, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी बहुत काम करना बाकी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने पीएम मोदी को क्लीन चिट मिलने पर यह कहा है कि गुजरात दंगों को सियासी नजर से देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया और अमित शाह ने क्या और कहा इस पूरे मामले पर खुलकर एक मिनट की रिपोर्ट में आपको सब मालूम हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2002 में गुजरात दंगों के दौरान जो हुआ उस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले, गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में मीडिया, गैर सरकारी संगठनों और राजनीतिक दलों की भूमिका पर बात की। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने साफ कर दिया है कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वाले लोगों के सामने। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ NGOs ने मिलकर इन आरोपों को इतना प्रचारित किया और इनका इकोसिस्टम इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सच मानने लगे। 2002 के गुजरात दंगों लेकर पहली बार इतना खुलकर बोले हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिली है, तो ऐसे में अमित शाह को इन सवालों के जवाब देने ही थे, कैसे और क्यों और कब हुआ। आगे बढ़ते हैं। BSP ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना पक्ष साफ करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किस उम्मीदवार को समर्थन देने जा रही है, एक मिनट की रिपोर्ट आपको बता देगी। BSP ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना पक्ष साफ कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शनिवार को बड़ा ऐलान किया। इस दौरान मायावती ने साफ किया कि राष्ट्रपति चुनाव में BSP विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा और NDA की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू में से किसे समर्थन देगी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। हमने ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला BJP और NDA के पक्ष या फिर विपक्षी पार्टी के विरोध में नहीं लिया, बल्कि अपनी पार्टी के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए एक आदिवासी समाज की योग्य और कर्मठ महिला को देश की राष्ट्रपति बनाने के लिए ये फैसला लिया है। मायावती ने कहा कि बसपा गरीब और दलित की पार्टी है। BJP ने राष्ट्रपति के चुनाव में बातचीत का केवल दिखावा किया, जबकि शरद पवार और ममता बनर्जी ने विपक्ष की बैठक में BSP को नहीं बुलाया जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर थी। लेकिन हमारी पार्टी जुमलेबाजी नहीं करती, हम लोग मानवतावादी सोच के हैं। पिछले काफी समय से मायावती बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन हाँ इतना जरूर कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना पक्ष तो साफ करना था।
और बात साफ हो चुकी है कि अब राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के साथ बीएसपी है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की आज बैठक होने वाली है और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आज सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यों की बैठक बुलाने जा रहे। आज बहुत बड़ा सियासी संकट जो महाराष्ट्र की राजनीति पर चल रहा है उसका अंत होने की ओर बड़ा कदम होगा। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा गई है। एक ओर जहां शुक्रवार के दिन महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच बैठकों का दौर जारी रहा, वहीं एक बार फिर से शनिवार को भी बैठक का दौर जारी रहने वाला है। मुंबई में शिवसेना ने पैदा हुए राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया है। शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक दोपहर 1 बजे शिवसेना भवन में होगी। एक ओर जहां महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी के नेता शरद पवार के बीच शुक्रवार को बैठक देखने को मिली, वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि आज फिर से सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच अहम बैठक हो सकती है। शुक्रवार शाम को हुई बैठक के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के अलावा जयंत पाटिल, अजीत पवार, संजय राउत, आदित्य ठाकरे और मिलिंद नार्वेकर भी इसमें शामिल हुए थे। फिलहाल आज होने वाली बैठक का समय अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी एक पब्लिक मीटिंग में शामिल होते नजर आएंगे। मुंबई के मरीन लाइंस में आज शाम 6:30 बजे इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी और शिवसेना की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ बीजेपी साफ तौर पर सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन क्या महागठबंधन जो चल रहा है महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का ये टूटने वाला है? सवाल का जवाब आपके सामने कुछ ही दिनों बाद जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक तरफ तो मानसून का आगमन हो रहा है और देश के कई हिस्सों में बरसात का इंतजार है, तो वहीं आसाम की बात करें तो आसाम में बरसात ने जो कहर बरपा है वो लोगों पर किस कदर टूट कर पड़ा है ये बाढ़ की वजह से साफ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा कहर ढाया है इस बाढ़ ने, तकरीबन 45 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हुआ और मरने वालों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आसाम में बाढ़ का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ तो जिन इलाकों में पानी भरा है वहां से लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लापता लोगों को तलाशा भी जा रहा है। इसी बीच मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल देश के पूर्वोत्तर राज्य असम के कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में बाढ़ ने तकरीबन 45 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक प्रभावित किया है। बीते 24 घंटे के दौरान मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है, 10 लोगों की जान चली गई है और इसी के साथ ही इस साल असम में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों का आंकड़ा 117 तक जा पहुंचा। मरने वालों में बाढ़ और भूस्खलन से हुई मौतें शामिल हैं। इनमें 100 लोग बाढ़ के प्रभाव की वजह से मरे हैं, तो वहीं 17 लोगों की जान भूस्खलन के चलते गई है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान असम के 28 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इसी बीच असम में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नदियों के नजदीकी निचले इलाकों में एक बार फिर पानी भरने की समस्या देखने को मिल सकती है। तो बाढ़ जो असम में है वो चिंता का विषय बनी हुई है। केंद्र सरकार ने मदद का आश्वासन दिया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंता जता चुके हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देश में शुक्रवार की तुलना की बात करें तो अब शनिवार को कोरोना के करीब 8% कम मामले सामने आए हैं। ये राहत की खबर जरूर है, लेकिन सतर्क हमें रहना होगा। शुक्रवार को 17,336 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, लेकिन अब शनिवार को बहुत बड़ी राहत मिली है। कोरोना महामारी का बढ़ता प्रकोप एक बार फिर से कई देशों के लिए चिंता की बात बन गया है। भारत में भी हाल ही के दिनों में कोरोना के मामलों में काफी तेजी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 15,940 नए मामले सामने आए, वहीं 20 लोगों की कोरोना के कारण जान चली गई। कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 91,779 हो गए हैं। शुक्रवार की तुलना में आज करीब 8% कम मामले सामने आए। शुक्रवार को देश में 17,336 नए कोविड मामले सामने आए थे, जो गुरुवार की तुलना में 30% अधिक थे। कोरोना से अब तक मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,24,975 पहुंच गई है। देश में अब तक मिले संक्रमितों की संख्या 4,33,78,234 हो गई है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,205 मामले सामने आए हैं।
केरल में 3,981 मामले दर्ज किए गए, जबकि दिल्ली में 1,447 मामले सामने आए। तो कोरोना के मामलों में कभी उछाल आता है और कभी राहत की खबर भी सामने आती है, लेकिन इतना जरूर हम कहना चाहेंगे कि अभी भी कोरोना का खतरा कतई टला नहीं है। कोरोना के केस सामने आना और फिर कम हो जाना, ये बताता है कि कोरोना के केस जरूर सामने आ रहे, बस जरूरत है कि हम थोड़ा सतर्क रहें। आगे बढ़ते हैं। देश में शहीदों को सम्मान मिल सके इसके लिए शासन प्रशासन हमेशा आगे रहेगा। इसी कड़ी में पंचकुला में शहीद मेजर संदीप सागर को श्रद्धांजलि दी गई है। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। एक मिनट की रिपोर्ट दी देखिए। पंचकुला के शहीद मेजर संदीप सागर कारगिल वॉर के ऑपरेशन विजय के दौरान एक माइन ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। शहीद मेजर संदीप सागर उन दिनों लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल साथ नौशेरा एरिया में थे। पंचकुला के सेक्टर 818 चौक पर स्थित शहीद संदीप सागर मेमोरियल में आज उनके 23वें शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शहीद मेजर संदीप सागर की शहादत पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कारगिल वार के अंदर दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते शहादत दी, अपने आप को बलिदान किया। ये हमारे सभी पंचकुला वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। इस मौके पर उनके परिवार के सदस्यों ने शहीद मेजर संदीप सागर को श्रद्धांजलि दी। वहीं जिले के कई सम्मानित लोग भी मौके पर मौजूद रहे और शहीद मेजर संदीप सागर को याद किया। शहीदों की शहादत को कभी भूला नहीं जा सकता और ये बात हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से भी कही गई। आगे बढ़ते हैं। गुड़गांव में जीएमडीए की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अध्यक्षता करते हुए इस बैठक की 40 मुद्दों पर चर्चा की और करीबन 1800 करोड़ रुपए का बजट पास भी कर दिया गया। कई विकास कार्यों को हरी झंडी दी गई है। देखिए एक मिनट की रिपोर्ट में कि कौन कौन से बड़े फैसले गुड़गांव के लिए लिए गए। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जीएमडीए की 10वीं बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अध्यक्षता करते हुए 40 मुद्दों पर चर्चा की है। बैठक में 1800 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक में जलभराव की समस्या को मद्देनजर रखते हुए 2 नई ड्रेन के निर्माण कार्य को हरी झंडी दी। इन दोनों ड्रेन को नजफगढ़ ड्रेन में डाला जाएगा, जिसके चलते शहर के अधिकांश इलाकों में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव में काफी राहत मिलेगी। जीएमडीए की बैठक में गुरुग्राम के विकास को और गति देने के लिए शीतला माता मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य जल्द शुरू हो उसकी भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे पर 30 किलोमीटर सर्विस लाइन बनाई जाएगी। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए शहर भर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें जीएमडीए के कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाएगा। गुरुग्राम के विकास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा गंभीर रहते हैं और गुरुग्राम सिटी को वो विश्व के पटल पर एक विकसित सिटी के तौर पर देखना चाहते हैं। यही वजह है कि जीएमडी की जब भी बैठक होती है कोई ना कोई बड़े निर्णय निकलकर सामने आते हैं। अंबाला पुलिस को कामयाबी हाथ लग गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में 11 साल की लापता हुई बच्ची को ढूंढ निकाला। इसके बाद से लोग पुलिस कर्मचारियों की और अंबाला पुलिस की तारीफ करते थक नहीं रहे। हरियाणा में बच्चों के गायब होने और उनके अप्रिय घटनाएं जो है वो सामने आ रहे हैं। ताजा मामला अम्बाला की जग्गी कॉलोनी से सामने आया, जहां 11 वर्षीय हरमनप्रीत कौर अपने घर से ट्यूशन जाते समय लापता हो गई। लेकिन अम्बाला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए किसी भी अनहोनी होने से पहले ही बच्ची को मात्र 4 घंटे में ढूंढ निकाला। गुरुद्वारे में वहां गए थे सर्च करने के लिए, वहां पे उन्होंने उसका फोटो दिखा के पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हां लड़की यही है। और जब अंदर हमने चेक किया तो लड़की वहां पे लंगर चख रही थी और लड़की से बात की है, घर भी ले आए हैं तो बहुत अच्छा हो गया। लड़की हमने कोशिश की हमारी टीम ने काफी और लड़की को हम सकुशल उनके घर ले आए। दरअसल 11 वर्षीय हरमनप्रीत कौर हाल ही में अपनी बुआ के घर अम्बाला रहने आई थी। पूरी जानकारी ना होने के कारण वो रास्ता भटक गई। बच्ची को 4 घंटे में ढूंढ निकालने पर हरमनप्रीत कौर के परिजन अम्बाला पुलिस का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। आपको बता दें कि इससे पहले भी अम्बाला पुलिस ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए कई गंभीर मामलों को कुछ समय में ही सुलझा दिया है, जिसके चलते ही अम्बाला पुलिस चर्चा में भी रहती है।
अंबाला पुलिस की तत्परता से ये काम हुआ है क्योंकि पुलिस ने बहुत कम समय में लापता हुई एक किशोरी को भी ढूंढ निकाला और परिजनों ने राहत की सांस ली है। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के सूत्रधार साजिद मीर को पाकिस्तान ने हिरासत में लिया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने साजिश की जो बू आ रही थी उसके तहत कार्रवाई करने की कोशिश की है और साजिद की मौत होने का दावा भी किया था, लेकिन अब क्या हो रहा है सबके सामने। पाकिस्तान ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के सूत्रधार साजिद मीर को हिरासत में लिया है। इससे पहले कुख्यात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने FBI की ओर से मोस्ट वांटेड घोषित साजिद की मौत होने का दावा किया था। विशेषज्ञों के मुताबिक FATF की ग्रे सूची से निकलने के लिए पाकिस्तान ने मीर को सजा दिलाने का नाटक किया है। FBI की एक अधिकारी ने बताया कि मीर पाकिस्तान में जिंदा है, हिरासत में है और उसे सजा सुनाई गई है। मीर को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल करते हुए FBI ने 2011 में उस पर $50,00,000 का इनाम रखा था। अमेरिका और भारत दोनों ही एक दशक से उसे खोज रहे हैं। लश्कर सरगना हाफिज सईद के करीबी साजिद को मुंबई हमले की योजना बनाने वाले डेविड कोलमैन हेडली और अन्य आतंकवादियों का हैंडलर माना जाता है। पाकिस्तान साजिद मीर की गिरफ्तारी से दिखाना चाहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहा है। इस गिरफ्तारी को FATF की ग्रे सूची से बाहर निकलने की प्लानिंग कहा जा रहा है। पाकिस्तान जून 2018 से ही FATF की ग्रे सूची में शामिल है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता है और आतंकवादियों को और आतंकवाद को हमेशा से पनाह देता है, इसलिए पाकिस्तान को पनाहगाह कहा जाता है आतंक के लिए। मॉनसून पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है और आप इंतजार कर रहे होंगे कि आखिरकार मॉनसून उत्तर भारत में खासकर कब आएगा। अब दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के इलाके बेशक सूखे हों, लेकिन अब मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जो कर दी है वो क्या भविष्यवाणी हो सकती है, आइए लेटेस्ट अपडेट जानते हैं एक मिनट की इस रिपोर्ट में। मौसम को लेकर गर्मी से परेशान लोग अब बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली NCR में पहले मॉनसून के आने की तारीख 23 जून संभावित थी, लेकिन अब ये डेट आगे बढ़ गई है। ऐसे में लोगों के जहन में सवाल है आखिर मॉनसून की दिल्ली में एंट्री कब होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून थोड़ा सुस्त रफ्तार से चल रहा है और पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। इस हफ्ते के अंत में ये मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और झारखंड के बाकी हिस्सों में पहुंच जाएगा। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जल्द ये प्रवेश करेगा। मॉनसून की बारिश शुरू होगी, इसके बाद ये आगे बढ़ता हुआ UP के अधिकांश हिस्सों को कवर करेगा। 29 जून से 2 जुलाई के बीच दिल्ली NCR समेत हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में मॉनसून की बारिश शुरू हो सकती है। इसके साथ ही 30 जून से 6 जुलाई के बीच मॉनसून देश भर के अधिकतर हिस्सों को कवर कर बारिश शुरू कर देगा। देश के कई हिस्सों में गर्मी पड़ रही है, ऐसे में लोग मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। मॉनसून पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है। एक बार फिर से बात करते हैं हमारे खास कार्यक्रम एक मिनट पर रिपोर्ट की और बात सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की भी। फतेहाबाद कनेक्शन अब सामने आ रहा है। फतेहाबाद के निजी होटल पर हत्यारे रुके थे, ये जानकारी मिली है और यहां रुककर उन हत्यारों ने एक पार्टी भी की थी। एक रिपोर्ट आप देखिए एक मिनट की, जो भी सवाल आपके मन में है जवाब इस एक मिनट की रिपोर्ट में मिलेगा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच लगातार आगे बढ़ती जा रही है, जहां दिल्ली की स्पेशल सेल और पंजाब की SIT जो है वो जांच कर रही है। तो फतेहाबाद से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार हैं वो जुड़ रहे हैं। अब तक फतेहाबाद से गिरफ्तारियां 6 हो चुकी हैं, जिनमें से ये वो होटल है जहां हम खड़े हैं। इस होटल के जो संचालक हैं 3, काड़ा और विक्रम और पवन गुज्जर, इन तीनों को दिल्ली की स्पेशल सेल ने उठाया हुआ है। इनकी इन्वॉल्वमेंट ये है कि ये वो होटल है जहाँ पर पवन गुज्जर, विक्रम और काड़ा का ये होटल है जहाँ पर वो 25 और 26 तारीख को जो शूटर्स हैं वो यहाँ रुके थे और हत्या करने के बाद भी यहाँ पर वो रुके थे। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो सांवरिया होटल की ये बुक है जहाँ पर एक उन शूटरों ने सुमित नाम से, जो झज्जर का रहने वाला है, उसके नाम से उन्होंने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर कड़ी एक के बाद एक जुड़ती जा रही है और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसके अलावा पंजाब पुलिस है, इन दोनों को बड़ी कामयाबी मिली है। कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिरकार किस मंशा से और कैसे और किस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी।
अब पानीपत की बात करेंगे। एक अच्छी खबर, पानीपत की लाडली खुशी के घर इस वक्त बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वजह आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे वाकई में अच्छी खबर है। दरअसल खुशी ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट दिया था जिसमें उसे देश में 9वां स्थान हासिल हुआ है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो खुशी ने नंबर 1 आकर ये बता दिया है कि हरियाणा के लिए कितनी गौरव की ये बात है। एक मिनट की रिपोर्ट देख लीजिए। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, बाकायदा अगर मेहनत सही दिशा में की गई हो। पानीपत की रहने वाली खुशी को भी इस समय अपनी मेहनत का फल मिला है। दरअसल कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2022 का रिजल्ट घोषित हुआ है जिसमें खुशी को देश में 9वां स्थान हासिल हुआ। वहीं हरियाणा में खुशी पहले स्थान पर रही है। खुशी ने बताया कि उन्होंने रिटायर्ड जज को देखकर तैयारी की थी। मेरा क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 9 आया है और हरियाणा में रैंक 1। वहीं खुशी की इस उपलब्धि के बाद खुशी के पिता का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। आज खुशी की कामयाबी कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। अब आगे भी यही उम्मीद है कि खुशी यूं ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रहेगी और देश विदेश में अपना और परिवार का नाम रोशन करेगी। मतलब पढ़ाई की तरफ जो इसका जुनून था उसको देखते हुए पहले से उम्मीद थी कि फर्स्ट 10 में से इसका कोई ना कोई रैंक आएगा और इसकी मेहनत ने जो आज रिजल्ट निकाला है उससे मतलब हमारे परिवार में पूरे पानीपत में खुशी जो है वो छिपाए नहीं छिपती, इतनी खुशी है। वाकई में बाकी युवाओं के लिए खुशी एक प्रेरणा के तौर पर सामने आई है। एक मिनट पर रिपोर्ट में अभी तक लेता है, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें। अभी तक खबरों का सिलसिला लगातार ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार।